गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल साक्षी साइकिल व्लॉग्स। एंड नया व्लॉग हो चुका है और गाइज मैं अभी नहा ली हूँ, बाल मेरे थोड़े खिले हैं, मैंने जस्ट एक ट्रैक सूट पहना है। मैं आपको एक अपडेट देने जा रही हूँ। आज है मम्मी का 60th बर्थडे और पिछले 10 दिन से मैं तैयारी कर रही हूँ उनके 60th बर्थडे की, क्योंकि ये तो व्लॉग लेट आएगा तो बता सकते हैं, क्योंकि हमने उनके लिए रखी एक सरप्राइज़ पार्टी। एक रैंडम प्लान था मेरे माइंड में, क्लिक हुआ 60th तक कुछ करना चाहिए तो उनके जस्ट क्लोज वंस, ज़्यादा लोग नहीं, लाइक 20-25 पीपल होंगे। बाहर मैंने एक पार्टी अरेंज करी है और छूट छूट के मैं यहाँ पे सबके रिटर्न के पैक कर रही थी। मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे यहाँ रखे हुए हैं, लुक एट दिस, कैसे छुपा के मैंने अंदर से रखे हुए हैं गिफ्ट्स, सबके पैक कर दिए, सब कुछ कर दिया। मम्मी का एक कस्टमाइज गिफ्ट भी मैंने बनाया है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बट अभी मैं नीचे जा रही हूँ मम्मी को विश करने के लिए उनका बर्थडे। उनका कुछ आइडिया नहीं है कि यार शाम को क्या होने वाला, नॉट इवन अ सिंगल क्लू भी नहीं है। तो चलिए अब नीचे चलते हैं। यहाँ मैं स्टेयर से नीचे उतर रही थी और फिर सीधा जा रही थी मम्मी के रूम में, और यहाँ मैं पहुँच गई मम्मी के रूम में और मैंने गेट ओपन किया और उन्हें किया मैंने विश, हैप्पी बर्थडे। दोनों मम्मी का 60 बर्थडे है, बस यही है 60। वासी नानी का 60 बर्थडे बोला, क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? रानी देखेगी ना बाद में, सानू भी देखेगी नानी का 60 बर्थडे कैसे मनाया था। देखिए कोई होश नहीं है, तो कोई होश नहीं है, पापा नहीं बातें। तो गाइज यहाँ पे आ चुका है मम्मी के रूम का ये हीट है उनके बर्थडे पे, तो समझ लीजिए ये एक और गिफ्ट एडिशन हो गया है उनके लिए। बस ऐसे ही मैं बोल रही थी गिफ्ट सब कुछ और ही है, बट ये भी आ चुका है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे हुआ है फोटो सेशन शुरू। कम ऑन, इसके साथ हो गया, पैर नहीं आने चाहिए, मैंने तो खींच दी। गाइस मम्मी के बर्थडे की तैयारी हो गई है। अभी मैं ये सारा सामान जो भी रिटर्न गिफ्ट आइटम्स है, बहुत थक गया मेरा हाथ, मैं चुपचाप गाड़ी में रखने जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी अभी रजाई में लेटी हुई हैं और सानू सो गई है, इसलिए मुझे फटाफट ये जो सारा सामान है इसको फॉर्चुनर में रख के आना है, गाड़ी में रख के आना है, जिससे ये चिराग वहाँ पे वेन्यू पे छोड़ आए और फिर हम ऐसे ही जाएँ जिससे उनको पता ना चले। तो जो गाइस जल्दी करते हैं, लेट ना हो जाए, मम्मी बाहर ना निकल जाए, चलो लेट्स गो। तो गाइस मिशन सक्सेसफुल, गाड़ी में जो है वो हमने बर्थडे गिफ्ट्स रख दिए हैं, बर्थडे गिफ्ट्स हो चुके हैं। अब चिराग बस इसको छोड़ा है क्योंकि पता ना चले, क्योंकि पीछे से बैठेंगे तो दिखता है ना कि गिफ्ट्स पड़े। तो बस गाइस ये ख़त्म करते हैं और फिर ऊपर चलते हैं, सानू के कपड़े निकालते हैं क्योंकि वो भी करना पड़ेगा। 4 ऑलरेडी बज चुके हैं, 6:30 तक हमें पहुँचना है। ओके सो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ यहाँ पे। सी दिस व्हाट आई एम वेयरिंग, दिस वॉर्म वुलन टॉप एंड स्कर्ट विद माई फ्ली स्टॉकिंग्स इन जैकेट, क्योंकि बहुत ठंड है। तो गाइज मैं यहाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। आई होप आप लोग भी आगे ये ब्लॉग कंटिन्यू करोगे क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। मम्मी को लग रहा है हम जा रहे हैं एरोसिटी दिल्ली, सब कुछ अरेंजमेंट्स हो चुके हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या जाता है, कि काफ़ी बंदे थोड़े कम हो गए हैं ठंड की वजह से, बट इट्स ओके, हम तो है ही ना यार। तो चलिए गाइज फटाफट नीचे चलते हैं, सानू को भी मैंने रेडिया कर दिया है, कोई भी वीडियो नहीं बनाई है, कुछ नहीं बनाया है, जल्दी जल्दी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लेट हो रहा है। तो बाय, मिलते हैं 2 सेकेंड बाद। अच्छा सानू को ले आते हैं, आप नानी के साथ खींच लो जल्दी फोटो। अच्छा मेरे साथ आ जाओ। यहाँ चल रहा है फोटो सेशन, फोटो सेशन 60th बर्थडे का, मम्मी का घर से शुरू हो चुका है, इसलिए कह रही फटाफट खींचवा, अब उसको भी भागना है। चलो हम तीनों बैठ जाते हैं, जल्दी वो आई, वो आई, वो आई, वो आई, यार पाप चिराग उतार दो। चलो विजय चेयर्स for the health of wealth and welcoming mummy to the club of senior citizens. Yeah! So कैसी फीलिंग आ रही है आपको माँ के 60th बर्थडे पे, कैसा फीलिंग है? माँ मेरी बूढ़ी हो गई है, माँ बूढ़ी हो गई है पर बूढ़ी जवान है मेरी माँ। 60 पर सटिया जाते हैं? नहीं सटियाएंगे नहीं, सो वेज एट ऑल, हमारी माँ जो है वो 60 में भी जवान रहेगी। माँ पीछे है सेक्सी एट 60, देख लो सेक्सी एट 60 क्या कर रही है। 60 birthday to you, happy birthday dear nani dadi, happy birthday to you, yeah kar do yeah। तो गाइज यहाँ पे अब सब लोग खाने पे टूट पड़े हैं, स्टार्टर शुरू हो चुके हैं, भर भर के पहले खा रहे हैं, उसके बाद आगे का प्रोग्राम देखेंगे। सब लोग खा रहे हैं और यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह भी हो चुकी थी, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, अच्छे से सेटअप किया हुआ था, 60th बर्थडे लगाया हुआ था और बहुत ही प्यारा था। अटेंशन एवरीवन,
लाइंस हैं, कुछ नहीं बहुत सारी लाइंस हैं, बहुत सारी लाइंस हैं जो हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में महिला नारियल की तरह है, साहस, सीधा चेहरा और मजबूत इच्छा शक्ति के इस कठोर खोल के पीछे एक कोमल और मीठा दिल। और गाइज ये है हमारा एक कस्टमाइज केक जो कि मम्मी को डिपिक्ट करके हमने बनवाया हुआ था। कितना सुंदर लग रहा है ना, टीवी, मम्मा, पेन, कॉपी, पेपर, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सब करके मैंने ये केक डिज़ाइन करवाया था। तो गाइज बस मैंने मम्मी के लिए एक स्क्रैप बुक बनवाई थी, उनके 60 इयर्स इन कुछ पेजेस में कवर करने की बड़ी कोशिश करी थी। तो बस एक छोटा सा टोकन ऑफ लव था मेरी तरफ से, और उसके साथ एक सानू के लिए भी कुछ बनवाया था मैंने। तो बस के साथ अब हम लोग आगे की कटिंग सेरेमनी शुरू करने वाले हैं। तो गाइज इसी के साथ अब मैं ये वाला व्लॉग एंड करती हूँ। हम लोग आ गए थे घर, जस्ट मैंने चेंज वेंज कर लिया है और अब हम सोने की तैयारी करेंगे। अभी लाइट्स वाइट सब ऑन है तो बहुत मज़ा आया कि गिफ्ट सेट्स खोले, बड़ा मस्ती करी। तो ये छोटा सा क्यूट सा व्लॉग था, एक सरप्राइज पार्टी का व्लॉग था। तो अब मिलते हैं अगले व्लॉग पे। बाय बाय, ठीक है, गुड नाइट।